तो अपने तो साहब छुट्टी थी, हमने मान लिया कि रविवार है, तो ये कब तक चलेगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति हर बच्चे को जानकारी हो कि विपरीत परिस्थितियों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निकले, इन सामाजिक जकड़न को तोड़ते हुए मान अपमान की चिंता के अगर विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण किए और फिर भारत के अंदर भारत के संविधान के मसौदे को तैयार करने की जब गुरुतर दायित्व आया तो फिर संविधान निर्माण समिति ने वो गुरुतर दायित्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसने अनेकता में एकता का एक ऐसा सूत्र हम सबको दे दिया कि आज भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी बन गया। कौन बताया? कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कौन थे चंद्रशेखर आजाद? कौन थे अस्माउल्ला खान? कौन थे भगत सिंह? कौन थे त्यागराज टोपे? कौन थे झांसी रानी लक्ष्मीबाई? इन महापुरुषों के बारे में जब तक आप बताएंगे नहीं, कौन थे रामप्रसाद बिस्मिल? कौन थे ठाकुर रोशन सिंह? जब हम बताएंगे ही नहीं बच्चों को तो उसको जानकारी होगी कहां से। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि सारी छुट्टियां रद्द होंगी, हम इन महापुरुषों के नाम पर विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कार्यक्रम होंगे, उन बच्चों पर विशेष बच्चों के सामने विशेष डिबेट होगी। विद्यालय का प्रधानाचार्य वहां की प्रार्थना सभा में 5 से 10 मिनट का उस महापुरुष पर वक्तव्य देगा और फिर सायंकाल 1 घंटे का अलग से कार्यक्रम, एक डिबेट, एक वाद विवाद प्रतियोगिता होगी जिससे उस महापुरुष के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में, कोई महापुरुष अचानक नहीं बनता, उस महापुरुष के बनने की प्रक्रिया चलती है, वो संघर्षों से तपता है, आगे बढ़ता है, विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, तब वो महापुरुष बन पाता है। उस संघर्ष की गाथा को जब बच्चे जानेंगे तब वो भी आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी और ये भाव हम पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे। हर महापुरुष को सम्मान देंगे, हर क्रांतिकारी को सम्मान देंगे, समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जिसका योगदान है प्रत्येक को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके बच्चों को उसकी जानकारी देंगे। यह भाव हम लोग करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कार्य होगा ही। श्रावस्ती और वैराइज के बारे में आपने कहा प्रतिमा लगनी चाहिए, निश्चित ही वहां लगनी चाहिए और हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, स्मारक बनाएंगे महाराज सुहेलदेव का, उनके नाम पर संस्थाएं स्थापित की जाएंगे, अनेक कार्यक्रम होंगे। अन्य जो आपने बातें रखी हैं, मुझे लगता है कि उन सभी से मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि इन कार्यक्रमों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की तैयारी होनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि महाराज सुहेलदेव के इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर आप सबने आज मुझे यहां पर बुलाया है। हमारे विचार परिवार से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ गण भी यहां पर मौजूद हैं और आपने वास्तव में बड़ी तैयारी के साथ एक कार्यक्रम किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद इतना बड़ी संख्या में देख रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि कुछ नया होने जा रहा है और क्या होगा मुझे लगता है कि जरूर कुछ अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको आपकी अवसर पर अपनी बधाई दूंगा, अपनी शुभकामनाएं दूंगा और विजयोत्सव की भी बधाई आप सबको देते हुए वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आप सब महाराज सुहेलदेव की व्यक्तित्व कृत्य से प्रेरणा प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।